बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए सबसे कम चीज़ों से तैयार किए जाने वाले डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो तकरीबन हर घर में ही बनाई जाती है और सबकी ही पसंदीदा होती है। जी हाँ, खीर। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1.5 लीटर दूध लिया है, उसे मैंने गर्म किया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं आधी प्याली चावल जो मैंने 2 से 3 घंटे भिगोए थे, और हल्का सा उसमें ब्लेंडर भी चला दिया। तो ज़रा सा पानी डाल के आपने ब्लेंडर कर देना, तो ज़रा से वो चूरा चूरा से हो जाएंगे। उसके बाद आपने दूध में डाला, दूध में आ गया उबाल। ये मैंने 1/2 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर डाल दिया। आप चाहें तो 4 से 5 इलायची कूट के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद आपने, ये दूध में उबाल आ चुका था, मैंने इसमें चावल डाले, इलायची पाउडर डाला, और अब मैंने हल्की आँच पर दूध और खीर चावलों को पकाया है। ये 45 मिनट्स हो चुके हैं इसे पकते हुए हल्की आँच पर, और मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक किया था, और अब मैं दोबारा चेक कर रही हूँ। तो आपने हर आधे घंटे बाद इसको देखना है, और जब ये गाढ़ा होने की तरफ आए तो आपने इसको 10 मिनट के बाद भी देखना होगा। इस वक्त इसको तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं हल्की आंच पर पकते हुए। अब ये देखें, ये 1 घंटा पूरा हो चुका है इस वक्त खीर को, और ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है। थोड़ी सी आप और देखेंगे इसको, आपने कंडेंसिटी अपने हिसाब से रखनी होगी। ये देखें, हमारी खीर अब बिल्कुल पकने के करीब आ चुकी है। जब देखें आप कि खीर गाढ़ी हो जाए, तो आपने हर 10 मिनट के बाद उसे बार बार चेक करना होगा, क्योंकि लगनी नहीं चाहिए खीर। अगर लग गई तो जलने की खुशबू से खीर आपकी ख़राब हो सकती है। जैसे ही आप देखें कि खीर अब बिल्कुल गाढ़ी होने के करीब है, तब हम इसको फाइनल इसमें टच देंगे, जिसमें हम अपना सीक्रेट इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी खीर बिल्कुल लाजवाब हो जाएगी। अब ये हमारी खीर बिल्कुल डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गाढ़ी हो गई, और ये है हमारा सीक्रेट। जी हाँ, आप इसमें डाल दें 1 मीडियम साइज का कोमल, 1.5 लीटर दूध, 1/2 कप चावल और 1 मीडियम साइज का कोमल। आपको शुगर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप कंडेंस मिल्क डाल देंगे तो उसमें एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, और उसमें आप ही इसमें मिठास आ जाएगी, और ये मिठास जो है वो 1.5 लीटर के हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है 1 मीडियम साइज का कोमल। लेकिन आप कोमल डालते वक्त चख भी ज़रूर लें, क्योंकि हो सकता है आपको शुगर ज़्यादा नहीं लेते हों आप, तो आप थोड़ा सा कम कर दें कोमल, वरना मीडियम साइज़ का एक कोमल काफ़ी होता है। ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा डाला है आखिर में, और जी हमारी खीर अब बिल्कुल रेडी। ये देखें कैसा क्रीमी टेक्सचर आया है। कंडेंस मिल्क की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप कंडेंस मिल्क बाज़ार का नहीं डालना चाहते तो आप घर में भी कंडेंस मिल्क बना सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। कंडेंस मिल्क बहुत आसानी से घर में भी तैयार किया जाता है। अब 2 से 3 मिनट आपने कंडेंस मिल्क डाल के खीर को 2 से 3 मिनट पकाना है, और उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि खीर को आपने थोड़ा सा पतला रहना चाहिए, क्योंकि खीर जो है वो बाहर चूल्हे से जब हम उतारते हैं तो उसके बाद गाढ़ी भी होती है। अब हम करने जा रहे हैं अपनी सर्विंग, और ये देखें हमारी खीर तैयार हो चुकी है। ये थोड़ी सी मैंने गाढ़ी रखी है, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप पतला रख सकते हैं, क्योंकि खीर जब ठंडी होती है तो गाढ़ी और होती है। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए बादाम पिस्ते डाल देंगे, और थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा भी डालेंगे, कोकोनट पाउडर। ये देखें कितने मज़े की खीर तैयार हुई है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह मियाँ आप सबके खानों में बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।